हाँ भाई साहब बोलिए भाई। शर्मा जी ये बताइए आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र भाई साहब 62 साल हो गई, 63 में चल रहा हूँ। 63 में चल रहे हैं। तो जो आज 63 साल पे जो विचार आपके 25 साल पे थे वही विचार आज हैं या बदल गए हैं? विचार तो रोजाना बदलते रहते हैं भाई साहब। अच्छा, यानी जिस प्रकार के विचार 25 साल पे थे वो अब उसमें बहुत बदलाव आ गया। उसमें बदलाव है समय के हिसाब से। समय के हिसाब से क्या, रोज ही विचार बदलते हैं। वो तो उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। क्यों? हाँ, उसमें ये नहीं है कि 4 साल बाद बदले जी। विचारों का आना जाना तो रोजाना की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। तो आपकी उम्र जैसे 63 वर्ष में चल रहे हैं आप, तो जीवन का एक लंबा अनुभव आपने जिया है, देखा है, समाज को देखा है, लोगों को देखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है जीवन इंसान का, आता है चला जाता है? देखिए जी, ये जीवन तो बड़ा रहस्य है एक। जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं छोटे बच्चे के रूप में, तो वो बच्चा एक तरह से अबोध रहता है और उसको हम कह सकते हैं पूर्ण, अपने में पूर्ण रहता है। सही है। अब वो जैसे 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 बड़ा होता है, दुनियादारी में आता है जाता है, सीखता है, तो पहले उसकी गुरु होती है माँ, माँ से बहुत कुछ सीखता है, फिर उसके बड़ा हो जाता है तो फिर स्कूल में जाता है, उसको गुरु मिलते हैं, फिर गुरु सिखाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर उसके दोस्त बनते हैं, फिर दोस्तों से सीखता है। अब वो अच्छा सीख रहा है बुरा सीख रहा है वो एक दूसरी बात है। तो फिर वो और बड़ा होता है तो आदमी नौकरी पेशा में जाता है जी, वहाँ मेहनत करता है, वहाँ लोगों से तरह तरह की चीज सीखता है, पैसा कमाता है, लेकिन आदमी की चीजें जो है हमेशा कुछ न कुछ छूटती जाती हैं। और उसी के जो आदमी चीजें छूट गई, आदमी जो है जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसी में उलझता रहता है। बिल्कुल। अब जो आदमी को प्राप्त हो गया, जो उसने पा लिया, उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। और जो छूट गया सुबह से शाम तक 24 घंटे बस उसी में उलझता जाता है। कहने का मतलब ये है जी कि आदमी जो है पूर्ण पैदा हुआ और अपूर्ण चला जाता है। क्या बात कही है। कहने का मतलब है कि वो एक ये छूट गया, ये मेरे पास नहीं है, बस उसी में जो है उसी में अपूर्ण रह के जो है चला जाता है। कितनी जानदार बात कही। और जिसने जिंदगी के इस रहस्य को समझ लिया, उसका इस बार बार इसमें लोक में आना वो खत्म हो जाता है, वो फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुझे ये बात बड़ी ठीक लगी कि आदमी भगवान पूर्ण भेजता है और आदमी अपूर्ण होकर चला जाता है। अपूर्ण होकर जाता है, क्या बात, पैदा होता है और अपूर्ण चला जाता है। और जिसने इस जिंदगी के रहस्य को समझ लिया वो फिर दोबारा है उसका आना जाना जो है समाप्त, वो इन चक्करों से छूट जाता है। अच्छी बात लगी आपकी। दूसरी बात अब यह है कि जैसे हमें आदमी अपना जीवन यापन सभी करते हैं रोजाना, और उसमें हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए? देखिए, हर आदमी का आचरण अपना अपना अलग अलग रहता है। और आचरण ये आपके हिसाब से कैसा रहना चाहिए? आचरण ऐसा है कि बहुत अच्छा नहीं है तो इस तरह का रखना चाहिए कि दूसरे लोगों से उसको दिक्कत ना हो, कोई आपत्ति ना हो। बिल्कुल। भले ही अच्छा ना लगे, मुझे जैसे आपका आचरण अच्छा नहीं लग रहा जी, वो एक दूसरी बात। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई चौधरी साहब का यार ये ठीक नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आपके आचरण से किसी को परेशानी ना हो। बिल्कुल, है ना, आपको किसी का अच्छा लगे न लगे इसका कोई मतलब नहीं ना, ना। लेकिन आप कहना यह चाहते हो कि मेरे आचरण से किसी को परेशानी ना हो। परेशानी, ये आपका ऐसा मतलब सोच है। सोच।
तो ये लगभग ठीक ही सोच है आपकी, मेरे हिसाब से तो अच्छी सोच है। तो हर व्यक्ति को ऐसी सोच रखनी चाहिए वैसे? नहीं, लोगों को लोग रखते हैं, लेकिन वो जो है यही है जो अभी मैंने बताया था कि लोग जो है जो उसने प्राप्त नहीं किया, जो उससे छूट गया, उसकी वजह से फिर लोग हार्श हो जाते हैं और अपने आचरण से भी हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 63 वर्ष का एक जीवन का अनुभव है आपको जी, तो एक समरी के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि जीवन के दो तीन बिंदु, दो तीन लाइनों में बात को समेट दें जैसे? देखिए, जिंदगी का सार और जिंदगी को समझना तो किसी के बस की बात नहीं है जी, और इसको कोई समझ नहीं पाया है। ऋषि मुनि भी बहुत से हुए हैं, वो भी नहीं समझ पाए हैं, और जो समझ लिया वो फिर उसका पूरा कल्याण ही कल्याण है। हाँ, फिर वो ज्यादा मतलब जो है वो समझा नहीं सकता किसी को। बस हम लोग आपाधापी में लगे रहते हैं और जीवन यूं ही बढ़ता रहता है, और हम लोग समझते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उसको पीछे छोड़ दिया, हम उससे आगे निकल गए, बस इसी में जो जीवन समाप्त हो जाता है। बहुत जोरदार है, क्या बात कही है, बहुत सही है। मतलब एक रेस टाइप है, रेस टाइप है, रेस टाइप। इस रेस में लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं, धाएं 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 धाएं, और एक लास्ट फिर गाड़ी का स्टॉपेज आ जाता है। आप देखो, सुबह आदमी आता है बड़े फ्रेश मूड से जगता है, और जब शाम को बिस्तर में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिमाग में जो है कचरा भर गया। हाँ, सही है सही है सही है। एक दिन की चर्या देख लीजिए, दिनचर्या व्यक्ति की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 8 घंटे सो लिया, सुबह जगेगा तो एकदम ताजा फ्रेश, और 12 घंटे में ही आप देखो आदमी क्या हाल हो जाता है, दिमाग में मतलब कितना कचरा भर जाता है। ये तो 63-65 साल की जिंदगी में तो क्या होगा। मतलब 24 घंटे में ये हाल है तो 63 साल का कचरा तो कितना होगा। सही है सही है। हमने समय को जिया, समय ने हमको जिया, किसने किसको? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं जीता है, समय समय हमको जीत। और देखिए, ये भी समय को नहीं जीती है, जिंदगी जिंदगी आदमी को सिखा देती है, आदमी कुछ नहीं सीखता है। ये जिंदगी है, अपने आप से गुरु भी नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे ऐसा पहली कटु सत्य है कि ये आपको सब कुछ सिखा देता है। सही बात कह रहे हो, और यही मतलब इसी से सीख सकता आदमी, इसी से सीख। मतलब कोई सिखाना चाहे, कोई गुरु जी क्या सिखाएंगे? अगर कोई व्यक्ति सिखाना चाहे तो सिखा नहीं पाएगा। आर्कमिडीज का सिद्धांत बता देंगे गुरु जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बता देंगे इक्वल टू 1। अब व्यवहारिकता तो आपको स्वयं सीख देगी, जिंदगी ही देगी, जिंदगी ही देगी। सही है भाई, कड़वे मीठे तजुर्बे जिंदगी देती है। ठीक बात है, हम कुछ नहीं सीखते। सही बात है, हम कि भाई पढ़े लिख के क्या है, अपना पेट में पालना सीख जाते हैं। धन के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, धन जो है आदमी के पास जरूरत भर का तो होना चाहिए। सही, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी बोर आ जाए। ये भी सही है, दूसरों की तरफ देखे ही नहीं, सुबह शाम तक मैं करे चें चें करे। हाँ, सही बात है, इस तरह के धन का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, और धन हो तो अपनी जरूरत हो जाए तो दूसरों के बारे में, चाहे वो 10 रुपए हो 5 रुपए हो, दूसरों को भी कुछ हेल्प करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, स्वास्थ्य एक दिमागी और वैचारिक चीज ज्यादा है, और स्वास्थ्य 19-20 होता रहता है, दिन में भी कई बार चेंज होता है। सुबह आप कैसा फील कर रहे हैं, दोपहर को कुछ कर रहे हैं, खाना नहीं खाया तो कुछ स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी फील कर रहे हैं, खा लिया तो एनर्जी भी जैसा फील कर रहे हैं। मतलब व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। हमारा बिल्कुल स्वास्थ्य सही रखेंगे तो फिर आपका अंतःकरण खुद ही सही रहेगा। मतलब स्वास्थ्य सही, शरीर सही तो आत्मा सही, शरीर दुखी आत्मा दुखी। सही है, यानी धन बड़ा है या स्वास्थ्य का सही रहना बड़ा है?
देखिए ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, ये क्वेश्चन बड़ा टफ है। बताओ, एक के बगैर दूसरा नहीं चलता है, तो दोनों का अपना समन्वय होना बहुत जरूरी है। आपने इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही कि समन्वय होना दोनों का अच्छी बात है, होना चाहिए। धन अपनी जगह पर है, स्वास्थ्य अपनी जगह पर, लेकिन धन प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य को पूरी तरह खो देना क्या लोग खो रहे हैं, खो देते हैं। तो ये ठीक है या गलत है? बहुत गलत है। अच्छा भाई देखिए, आदमी वही है अपूर्ण आया कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। धीरू भाई अम्मा नहीं, बिल्कुल कुछ ले गए क्या? कुछ नहीं, छोड़ गया सब ये दूसरों के लिए कमा कमा के आप इकट्ठा कर रहे। अपने लिए तो जीने भर का चाहिए, आवश्यकताएं पूरी होती रहे, क्या चाहिए, लेकिन लेके कुछ नहीं आ रहे हो। उपयोग यही करना है, ये प्रकृति का नियम है, उसने ऐसी चीज बना दी है कि तुम जो है सारे पार्टिकल जो है पांच तत्व से मिलके यही पैदा हो गए और तत्व यही सारे छोड़ जाओगे। सही है, तुम कुछ लेके जा ही नहीं सकते हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लोग लेके कुछ अगर जाने लगे तो यहाँ की जमीन भी खोद के ले जाए। सही कह रहे हो, अगर लेने लेके जाने का मौका हो तो कंडीशन विचित्र हो जाए फिर। वो कोई चंद्रमा पर ले जाएगा, कोई बृहस्पति पर ले जाएगा, कोई मंगल पर, यानी कि जहाँ हम मानते हैं कि वहाँ पर हमारी सुरक्षित है व्यवस्था। ले जा मतलब वो तो भगवान ने कफन में भी जेब नहीं लगाई है। हाँ। और जेब लगाई होती तो भर के जाती। अरे उसमें भी साला 2000 की एक गड्डी तो डाली। चलो बाजार करने काम आई। जेब तो वहां भी नहीं है। मुझे तो आपका कहना मतलब ये है, सादा जीवन उच्च विचार में जिए। हाँ देखिए, और आनंद के साथ जिए, ऐसा ये चीजें सादा जीवन उच्च विचार अब तो खैर कहने भर की चीज हो गई है। हाँ। लेकिन जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो सुखी रहते हैं, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, मानना नहीं, वो बिल्कुल सुखी रहते। सही है ये बात, सही है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की शर्मा जी, ये आपका इंटरव्यू मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, भविष्य में इसे आप भी देख पाएंगे और आपसे कुछ लोग सीख पाएंगे। अच्छे ज्ञान की बातें आपने बताई और एक 63 वर्ष का एक अनुभव आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।